हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है 9 चैप्टर का, तो पहले आप इंट्रो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी क्या होता है? पार्क में जो हो, देखे होंगे कि बच्चे लोग जो हैं ससरते हैं, एक तरफ से सीढ़ी से चढ़ के दूसरे तरफ से ससर जाते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह का ठेकेदार जो है लगाना चाहता है। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर है, ठीक है, 5 वर्ष से जो कम है, और उनका कोण 30 डिग्री पर रहेगा। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊँचाई है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण होगा। तो फिगर से समझते ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। जैसे ये फिगर है हमारे पास, ठीक है, 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो है 1.5 मीटर का होगा। तो हम मान के चलते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और यहाँ से एक फिसलन पट्टी है, फिसलने वाला ये है, ठीक है, ये वाला फिसलने वाला है। हमको सीढ़ी से भी मतलब नहीं है, हम सिर्फ फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं। नाम देते हैं A, B, C, D, ठीक है। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है और इसका एंगल होगा 30 डिग्री पे, और जो 5 वर्ष से बड़े हैं उनके लिए ये वाला फिसलन पट्टी होगा, ठीक है। तो जो 5 वर्ष से अधिक है वो होगा हमारा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री का एंगल है। साथ ही ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस पूरा का पूरा है 3 मीटर, ठीक है। और ये है फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है ये निकालना है। तो इसको मान लेते हैं L1 और इसको मान लेते हैं L2, ठीक है। तो आपको लिखना होगा इसमें लैंग्वेज क्या लिखना होगा, माना L1 तथा L2 दो फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो L1 और L2 दो फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, लेंथ क्या है। और जो जो गिवन पार्ट है, जो जो दिया हुआ है, पहले उसको लिखते हैं। जैसे कि DB तो हम लोग यहाँ माने थे, DB जो है वो L1 है, ये पहले से नहीं दिया था, ये हम लोगों ने माना है। ए से लेकर ABCD यहाँ हम लोग ले लेते हैं E, तो ये E हो गया AE जो है ये हो गया L2, ये भी हम लोगों ने माना था, ठीक है। A से लेकर के C टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर, और B से लेकर BC ये है 1.5 मीटर। एंगल जो है DBC ये हमारे पास है 30 डिग्री, और एंगल AEC ये हमारे पास है 60 डिग्री। तो अब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे इसमें से, पहले दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज DBC में, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है मतलब परपेंडिकुलर P, और ये जो होता है ये H, तो सामने वाला लंब और ये, इससे कोई मतलब नहीं है, ये निकालने के लिए नहीं कहा गया है, सामने वाला लंब और ये वाला कर्ण, तो लंब बटे कर्ण P/H किस में होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन और थीटा, थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर कितना मीटर 1.5, और बाय एच हो गया L1, इसको L1 माने थे हम लोग। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1.5 बाय L1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L1 × 1, L1 इज इक्वल टू 1.5 × 2, ये हो गया 3, 1.5 दुना हो गया 3। L1 हम लोग का फाइंड हो चुका, फिर से हम लोग लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला जो फिगर है हमारे पास ACE में,
ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं, थीटा के सामने वाला जो टोटल है ये लंब है, यहाँ से ए से लेकर के सी तक लंब है, और ये वाला पूरा कर्ण है, तो ये पी है, ये एच है, तो पी बाय एच अगेन साइन 60 इज इक्वल टू पी बाय एच। साइन 60 है रूट 3/2 इज इक्वल टू पी, हमारे पास इस बार कितना है 3 और एच है को हम लोग माने थे एल बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एल टू इंटू रूट थ्री, रूट थ्री एल टू बराबर 3 × 6, एल टू बराबर 6/√3, और यही रूट तीन से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा रेशनलाइजेशन, तो 6 × √3 रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, थ्री से 6 हो गया 2√3, तो एल वन एल टू निकल गया। ठीक है, लिख देना है लास्ट में, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कर्मश एल वन हो गया 3 मीटर, एल टू है 2√3 मीटर है। लैंग्वेज पर भी नंबर मिलता है, इसलिए लैंग्वेज लिखना एग्ज़ाम में ज़रूरी है, तो लैंग्वेज लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।